यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी बुक कवर करने की सोशल साइंस की, तो उसका ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लासिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं आज। तो हमारे चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो आखेट खाद्य संग्रह है उससे स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि भोजन उत्पादन किस तरीके से हुआ था। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें जो है बिल्कुल बेसिक से चीज़ें यहाँ पर हमें 6th के लेवल पर मिलेगी कि किस तरीके से जो कृषि है वो उसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं कुछ, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट होता है, ये तुषार जो है यहाँ पर तुषार की रेल यात्रा से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर स्टार्ट होता है। जब तुषार क्या होता है, जब वह रेल यात्रा करने के लिए शादी में जा रहा है, अपने दिल्ली से चेन्नई जा रहा है शादी में, तो रेल में उसे खिड़की वाली सीट जो है मिल जाती है, जहाँ से वह बाहर की तरफ जो नज़ारा है उसे देख रहा होता है। तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी के कारण उसे क्या लग रहा होता है कि जो पेड़ पौधे और जो घर वगैरह है, जो खेत वगैरह है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि जब आप जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो पेड़ है वो हमसे पीछे जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं पर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है जो अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो देखिए, तो ऐसा लग रहा होता है तुषार को, तभी उसके जो चाचा जी हैं वो उसे कहते हैं, उसे कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही जो रेल यात्रा है वो शुरू की थी, और उससे बाद में जो बस है वो स्टार्ट हुई थी, यानी कुछ दशक के बाद जो बसें वगैरह हैं वो स्टार्ट की गई थी, बस की जो सर्विस है। फिर तुषार के मन में, क्योंकि तुषार एक बच्चा है, उसके मन में जो प्रश्न है वो आता है, वो सोचने के लिए विवश हो जाता है कि जब जो है ये रेल वगैरह नहीं हुआ करती थी, तेज़ रफ्तार वाली जो सवारियां हैं वो नहीं हुआ करती थी, तो क्या लोग यात्राएं नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे। तो फिर उसके चाचा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी जो घटना हमें बताई गई है यात्रा को लेकर, तो अभी जो हम सबसे पहले हम यही देखेंगे जो हमारे आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे, क्यों यात्राएं करते थे, उसके पीछे जो रीजन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे आरंभिक मानव थे, जो आरंभिक जो मनुष्य थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती थी उन्हें, तो ये हमें देखना, और किस तरीके से जाते थे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्रह किन्हें कहा जाता है, जो 20 लाख साल पहले जो है रहे थे मानव, उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसका जो नाम है इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा। आखेटक मतलब जो शिकार करते हैं, खाद्य मतलब खाद्य संग्रह मतलब जो शिकार करके जो भोजन होता है उसे इकट्ठा करते हैं, या फिर वैसे जो हमारे जो फल वगैरह होते हैं, जो हमें ट्रीज वगैरह से मिलते हैं फल पौधे, उनका जो खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं। संग्रहक मतलब इकट्ठा करने वाला, और इसी के आधार पर इनका नाम रखा गया। तो देखिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल और जो मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, इसलिए इनको आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे कुछ रीज़न रहे हैं जो यहाँ से हमारे रीज़न स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, अगर रहेंगे तो क्या होता, मान के देखो कि अगर एक जो आखेटक खाद्य संग्रहक है वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वहाँ पर उस स्थान पर जो पौधे हैं, जो फल हैं, जो जानवर हैं, उन्हें वो खा कर क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, फिर वो भूखा मरने वाली जो स्थिति है उसके सामने आ जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते थे, थोड़ा टाइम एक जगह पर व्यतीत करते थे, फिर किसी दूसरे स्थान पर जाते थे, जिसकी वजह से जो ये फल फूल पौधे जानवर जो है वो उनके भोजन के लिए हर जगह उपलब्ध होते थे। ठीक है, तो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर जाते थे। अब मान लीजिए कोई खाद्य जो ये आखेटक खाद्य संग्रहक है वो रह रहे होते हैं एक स्थान पर, हम सोच के देखते हैं हिस्ट्री में, तो अगर वहाँ पर जो है वो सब कुछ खा वगैरह खा कर क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो उसके बाद उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, भोजन की तलाश में, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है और उसके लिए भोजन आवश्यक है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर
जो हिरन है, मवेशी जो होते थे अपने चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। यानी कि जो जानवर है उसके अंदर, हमारे जानवर के अंदर हिरन वगैरह आ सकते हैं, मवेशी वगैरह आ सकते हैं जो चारा वगैरह खोजने के लिए, क्योंकि वो घास वगैरह खाते हैं, चारा खाते हैं उसको खोजने के लिए, या फिर जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं तो वो जो है मांस की तलाश में यानी कि शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब भाई जानवर नहीं मिलेंगे तो वो भोजन कहाँ से करेंगे, जो हमारे आखेटक खाद्य संग्रहक हैं, तो इसलिए उन्हें भी क्या करना पड़ता था, उन्हें भी इसी तलाश में जानवरों के शिकार करने के लिए उन्हें भी क्या करना पड़ता था, उन्हें इनके पीछे जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस रीज़न की वजह से भी, यानी कि दोनों रीज़न में हमें क्या पता चल रहा है कि भोजन की तलाश में वो जाया करते थे। पहला जो भोजन की तलाश है उसमें बताया था कि अगर एक स्थान पर लंबे समय तक वो रह लेंगे तो वहाँ का जो भोजन है उनका वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और यहाँ पर क्या है, जानवरों को अगर जानवर जहाँ पर नहीं है उनकी तलाश में जाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, अब देखिए अगला जो रीज़न है हमारा यहाँ पर, ये तीसरा रीज़न बताया गया है। इसमें हमें बताया गया कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आपको पता होगा जैसे कि बहुत सारे जो, जैसे आम हो गया हमारा, आम गर्मियों के सीज़न में आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और ले सकते हैं, मटर वगैरह हो गई या फिर हमारी गाजर वगैरह हो गई, वो सर्दियों में आती है। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फल फूल लगते हैं उनका अलग अलग मौसम होता है, तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों पर घूमते होंगे। ठीक है, तो ये रीज़न भी रह सकता है। अब मान लीजिए जो खाद्य, जो आखेटक खाद्य संग्रह है, मेरे को बार बार खाद्य याद आ रहा है, आखेटक खाद्य संग्रहक हैं वो एक स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पर उन्हें क्या है, अच्छे फल वगैरह मिल रहे हैं। अब जैसे ही फलों का मौसम चला जाएगा, उस फल का मौसम, तो अब वहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ ऐसा खास प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अब जो है यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अगला है, चौथा कारण क्या यहाँ पर दे रखा है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या फिर पेड़ पौधे का जीवन जो है असंभव होता है। पानी जो होता है हमें झीलों से, झरनों से, नदियों से प्राप्त होता है। यद्यपि आपको पता होगा कि कुछ जो नदियां होती हैं हमारी या फिर कुछ जो झीलें होती हैं वो कभी भी नहीं सूखती हैं, और कुछ ऐसी भी हमारी नदियां और झीलें होती हैं जो क्या है, बारिश के पानी पर निर्भर होती है। यानी कि जब बरसात होती है तो उनमें पानी बहुत खुशी से तैर रहा होता है। ठीक है, पर जैसे ही बरसात का मौसम चला जाता है तो वो जो है सूख जाती हैं, तो आपने ऐसा भी देखा होगा। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को क्या करना पड़ता है, सूखे मौसम में क्या करना पड़ता है, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये चार रीज़न यहाँ पर बताए गए हमें। अब हम देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक जो मानव रहे हैं उनके बारे में जो इतिहासकार हैं, हमारे जो पुरातत्वविद हैं, वो जानकारी कैसे हासिल करते हैं। तो देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। आपको पता है कि जो एक पुरातत्वविद कौन होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, पुरातत्वविद वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो वस्तुओं के अवशेष जो होते हैं उन्हें खोजते हैं और उनके आधार पर वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि जैसे ही कुछ वस्तुएं वगैरह होती हैं, चाहे वो उस टाइम पर यूज़ की गई वस्तुएँ हों या फिर खाने का, जैसे कि गेहूँ के दाने हों, ठीक है, जले हुए दाने हमें बचे हुए मिल सकते हैं, और इस तरीके की जो वस्तुएँ होती हैं उनकी खोज करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं कि इतनी पुरानी है। ठीक है, इस तरीके से जो हड्डियां वगैरह हैं वो मिलती हैं उन्हें, तो उनके ऊपर जब वह अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको ही पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें से आपको ये पता होगा कि जो लकड़ियाँ हैं वो तो बहुत जल्द नष्ट हो जाती है हमारी, हड्डियाँ भी जो हैं हमें मिल सकती हैं, और पत्थर जो होते हैं पत्थर एज इट इज़ हमें मिल जाते हैं। तो पत्थर के जो औजार हैं आज भी बचे हुए मिले हैं, और उन्हीं की सहायता से जो पुरातत्वविद हैं इन खाद्य, ये आखेटक खाद्य संग्रहकों के बारे में इन चीज़ों से वो क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्हें मिली हैं, इनके ऊपर अध्ययन करके वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से कुछ जो औजार हैं उनका प्रयोग वो फल फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियों और मांस काटने के लिए, और पेड़ की जो छाल है और जो जानवरों की खाल है उनको उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले की तरह प्रयोग किया जाता था। यानी कि भाला जो आपको पता होगा जो एक हथियार के तौर पर होता है शिकार करने के लिए, और कुछ औजारों पर लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजारों के हेल्प से क्या किया जाता, लकड़ियाँ काटी जाती थी, तो लकड़ियाँ काट के उनका भी उपयोग करते थे वो। ठीक है, तो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के तौर पर वो करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने झोपड़ी जो है, झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करते थे, औजार बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करते थे वो। अब यहाँ पर हमें जो यहाँ पर
दे रखा है और इसके साइड में ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसके ये दो पिक्चर्स दी गई हैं। पहली जो ये पिक्चर है इसमें ये जो है इनका औजार है और दूसरी पिक्चर जो है इसमें ये औजार है। ये जो औजार है इसका प्रयोग वो किसके लिए करते थे, इसका प्रयोग वो जड़े वगैरह निकालने के लिए या फिर जो खाने योग्य जो भी चीज़ होती थी पौधों में उन्हें निकालने के लिए किया जाता था। इस साइड जो औजार दिया गया है उसका प्रयोग जो है जो जानवरों के खाल से जब वह वस्त्र बनाते थे, कपड़े बनाते थे, तो अगर उन्हें फट जाते थे या फिर उन्हें बनाने के लिए वो क्या करते थे, इस औजार का प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं कितना नुकीली है आगे से और इस तरीके से दिखाया गया। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहने की जो जगह है वो कैसे निर्धारित की जाती थी आरंभिक मानव के द्वारा, किस आधार पर वो क्या करते थे, जो हमें अवशेष वगैरह मिले पुरातत्वविदों को उसके आधार पर उन्होंने यह इन्फॉर्मेशन निकाली है कि वो अपने रहने की जो जगह है वो कैसे डिसाइड करते थे। तो इन्होंने कहा है मानचित्र दो देखिए, उसमें लाल त्रिकोण वाले जितने भी स्थान हैं वो कौन से हैं, वो पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह जो संग्रहक है उनके होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो रेड त्रिकोण वाला यहाँ पर हमें दे रखा होगा मैप में, तो उसमें जो है वो जितने भी स्थान हैं वो कौन से थे, पूरा स्थल रहे हैं किसके, आखेट खाद्य संग्रह के, क्योंकि यहाँ पर रहने के उनके प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इनके अलावा भी कई, अभी देखेंगे हम इनके मैप में कि कौन से ये ट्राइंगल वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और भी स्थल रहे हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने जो स्थान है वही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आपको पता होगा नदियों और झीलों के किनारे जो हैं आरंभिक मानव रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जल भी उपलब्ध होता है, वहाँ पर जानवर भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस तरीके से और हर चीज़ से उनकी जो सुविधा है वहाँ पर होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम इस मैप को देखें अपना। तो इस मैप में जो हमें देखिए ये नर्मदा नदी के पास में भीम बेट का जो है, ये मध्य प्रदेश में भीम बेट का भी वर्तमान में, तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया गया है, यानी कि ये गुफा थी भीम बेट का जिसमें ये मनुष्य रहे हैं। ठीक है, पुरास्थल के तौर पर ये कुरनूल जो गुफाएं हैं वो भी, और हुसंगी जो ये भी हमारी जो है एक तरीके से गुफाएँ हैं। ठीक है, इनमें रहे हैं ये, तो ये तीन यहाँ पर दिखाए गए हैं जो हमने देख लिए हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं भीम बेट का। जैसे मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश में अभी, और इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी जो है, नर्मदा घाटी जो है उसके पास है, तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि पत्थर के जो उपकरण हैं वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। और आपको पता होगा नदियों के किनारे, नदियों की घाटी के किनारे क्या होते हैं, पत्थर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो शैल चित्रकला है वो दिखाई गई है। ये जो चित्रकला है ये ज़्यादातर जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, जो इंटरेस्टेड होंगे ड्राइंग करने में, तो ये जो लोग रहा करते थे गुफाओं में, तो गुफाओं के अंदर ऐसे कुछ चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस चित्र को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर एक मनुष्य बनाया गया और यहाँ पर एक जो जानवर बनाया गया, और ये मनुष्य इस जानवर के पीछे लगा हुआ है, यानी कि इसका शिकार कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब देखिए ये गुफा दिखाई गई हमें, और इस गुफा जो है इसमें सुरक्षा प्राप्त रहती होगी जो आरंभिक मानव रहे होंगे, तो इसलिए इस गुफा का प्रयोग करते थे वो। अब यहाँ पर पूरा स्थल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पूरा स्थल क्या होते हैं, तो ये जो हमारी डेफिनेशन होती है छोटी छोटी, पुरातत्वविद क्या हैं, इतिहासकार किसे कहा जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे डेफिनेशन जो होते हैं यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। पूरा स्थल उस, या फिर आपसे इस तरीके से जैसे भीम बेटका की जो गुफा है कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, इस तरीके से जो प्रश्न है वो बनते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा स्थल जो है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी जो वस्तुएँ हैं उनके अवशेष मिलते हैं। तो पूरा स्थल आपको पता चल गया उसको कहा जाता है जहाँ पर औजार, बर्तन या फिर इमारतों जैसी जो वस्तु हैं उनके अवशेष मिलते हैं, बची खुची जो ये जैसे बर्तन हैं, औजार हैं, इमारतें हैं, क्योंकि जैसी एज इट इज़ उस टाइम पर रही होंगी वैसी अभी मिलनी तो इम्पॉसिबल है, पर बची कुछ ही तो मिली होगी ना, यानी कि अवशेष मिला होगा उसका। ठीक है, तो जहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं उसको पुरास्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे अब
आग की जो खोज है वो किस प्रकार से हुई थी। तो मानचित्र दो में कुरनूल गुफा जो है वो ढूंढने के लिए कहा गया। तो आपने देखा हो कुरनूल गुफा जो गुफा है वो लास्ट में रही है नीचे के साइड, तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुरनूल जो गुफा है उसमें राख के अवशेष मिले हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि जो आरंभिक लोग हैं अब जो क्या थे आग जलाना सीख गए थे। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं स्टोरीज़ भी सुनी हैं कि जो इस तरीके से सुनाई जाती है कि खेल रहे थे वो आपस में और दो पत्थर आपस में घिस के खेल रहे थे, एकदम से चिंगारी निकली उसमें और फिर वो चिंगारी जो है वहाँ पर सूखे पत्तों में जाकर लग गई और वहाँ पर आग लग गई, और वहीं पर जो है कोई बैठकर जो आदि मानव है वो मांस वगैरह खा रहा था और वो उसमें गिर गया, और जब उस मांस का टुकड़ा उसने चख के देखा तो वो स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार से उन्होंने आग जलाने सीख ली। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें मिलती है। अभी एज इट इज़ हमें ये नहीं पता है कि यही चीज़ रही होगी, बस हमने यहाँ पर सोची मनगढ़ंत जो कहानियाँ वो बना दी। या फिर ये हो सकता है कि जैसे कि अभी वर्तमान में जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे जंगल होते हैं उसमें जो आग है अपने आप लग जाती है, बहुत सारे जंगल ऐसे होते हैं गर्मी पड़ने के कारण आग लग जाती है, तो उस टाइम पर भी ऐसा रहा होगा और कुछ जानवर उस आग में जल गए होंगे, और जब वो जानवर जो हैं इन आदि मानवों के द्वारा आधुनिक जो मानव है हमारे उनके द्वारा आरंभिक मानवों के द्वारा जब खाए गए होंगे उन जानवरों के जो मांस है जले हुए जानवरों का मांस, तो तब उन्हें वो स्वादिष्ट लगा होगा, इस तरीके से उन्होंने सीख लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है, राख के अवशेष मिलने से हमें ये प्रूफ मिलता है कि उस टाइम पर जो लोग थे वो आरंभिक जो लोग थे वो जो आग जलाना है वो सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया होगा, मांस भूनने के लिए किया गया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए किया गया होगा, फिर भगाने के लिए किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए नाम और तिथियां, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये नाम और तिथियाँ। ठीक है, अब देखिए जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, बड़े बड़े नामों से पुकारा है उसे। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम पर हमें तो नहीं पता उस काल का क्या नाम था पर पुरातत्वविदों ने उनका कुछ नाम रखा है। आरंभिक काल को उन्होंने क्या कहा है, आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा है। अब पूरा पाषाण काल जो कहा गया है उसका अर्थ क्या है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, तो यह जो नाम है पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को दर्शाता है, यानी कि उस टाइम पे जो प्राचीन काल में जो पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसके जो औजार वगैरह बनाए जाते थे उसी को दर्शाते हुए ये जो नाम है यहाँ पर रखा गया पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए जो पूरा पाषाण काल है वो जो है हमारा 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। इस साल को तीन भागों में विभाजित किया गया है और ये तीन भाग है हमारे आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की जो लगभग 99% जो कहानी है इसी पूरा पाषाण काल में रही है। अब यहाँ पर देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव दिखते हैं, ठीक है, जिस काल में हमें क्या दिखते हैं ये पर्यावरणीय बदलाव दिखते हैं उसे कहा जाता है मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है कब से लेकर कब तक माना गया, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया। इस काल के पाषाण जो है पाषाण के जो पत्थर के औजार हैं आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे और इसलिए इन्हें क्या है लघु पाषाण काल कहा जाता था, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाता था। तो लघु पाषाण काल, लघु मतलब छोटा, यहाँ पर लघु पाषाण काल इसलिए कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए इन औजार जो थे उनमें हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे जो औजार हैं वो मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग जो है उसमें औजार इस दौरान जो बनाए गए थे वो हमें जो बचे कुछ हैं वो मिले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है हमें। अब देखिए अगले युग की शुरुआत जो है कब से हुई है, 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग यानी कि अभी जो ये पूरा पाषाण युग है उसके बाद जो आता है हमारा नवपाषाण युग आता है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा अगली जो हेडलाइन यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है बदलती जलवायु।
तो बदलती जलवायु के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, बदलती जलवायु के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारा, जो किस तरीके से चीज़ें विकसित हुई हैं वो हमें देखना है। तो लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था, दुनिया की जो जलवायु है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, कई जो क्षेत्र हैं वो घास वाले जो मैदान हैं वो बनने लगे बहुत सारे। अब देखो, जैसे घास बढ़ेगी तो उसे खाने वाले जो जानवर हैं वो भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो उस पर आश्रित रहते हैं जब उन्हें घास पर्याप्त मात्रा मिलेगी तो वो भी तो बढ़ेंगे। जैसे कि हिरण हो गए, बारहसिंगा हो गया, भेड़ बकरी गाय हो गई, ये सभी के सभी जानवर की संख्या बढ़ती चली गई क्योंकि ये घास पर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की जो आदतें हैं और प्रजनन करने की जो समय है उसकी जानकारी हासिल करने लग गए। और इसका मतलब क्या है, जब वह ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे तो तब वह लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें पालने की बात सोच रहे थे, यानी कि पशु पालने की बात सोच रहे थे। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो हमने देखा किस तरीके से जलवायु बदलने के कारण जो इफ़ेक्ट है वो पड़ा था। अब देखिए अगला है हमारा अगला है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की जो शुरुआत है किस तरीके से हुई है ये हमें देखना है। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के जो अलग अलग जो इलाके थे उसमें गेहूं, जौ और धान जैसे जो अनाज हैं जो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अपने आप उगने लगे क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ था। तो जैसे आपको पता होगा जो गेहूं और जौ है सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, जो शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या है, कृषक बन गए। तो कृषक किस प्रकार से बने, शुरुआत में जो गेहूं, जो धान जैसे जो प्राकृतिक अनाज हैं वो अपने आप उगने शुरू हो गए थे। जब उन्होंने नोटिस किया कि किस तरीके से उगते हैं, किस समय उगते हैं, तो उन्होंने क्या है धीरे धीरे इन चीज़ों को नोटिस किया और उगाना स्टार्ट किया, तो तब वह क्या है कृषक बन गए। ठीक, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को क्या किया था, आकर्षित करने की कोशिश की होगी कि चारा रखेंगे डेली। अगर आप अपने आप देखिए, अगर आप जो हैं कोई गली में जो कुत्ता वगैरह रहता है, डॉग रहता है, तो उसके आगे आप रोज़ रोटी रखेंगे तो रोज़ आपके घर में उसी टाइम पर आके खड़ा हो जाएगा घर के बाहर। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, इनको ललचाया जानवरों को, वो क्या करते थे चारा रखते थे, ठीक है, आकर्षित करने के लिए, पालतू बनाने के लिए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कौन था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और धीरे धीरे कुत्ते का जो पूर्वज था सबसे पहला जो है पालतू जानवर रहा है, और उसके बाद जो है भेड़ और जो बकरी गाय सूअर है इन सबको भी क्या है घरों में पालतू जानवर बनाया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, क्योंकि आपको पता है झुंड में क्यों रहते थे, क्योंकि अगर कोई बाहर से उनके ऊपर आक्रमण करता है कोई जानवर तो वो क्या कर सके, रक्षा कर सके। अब रक्षा करने का काम लोगों ने ले लिया, यानी कि लोग जो हैं अब जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चारा देते थे और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा करते थे, जिसकी वजह से जो जानवर है वो पालतू बनते चले गए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई, और इस प्रकार से पशुपालक बन गए। तो अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ जो था, फर्स्ट जो हमारे इस पेज का पैराग्राफ था उसमें हमने कृषक कैसे बने वो देखा, अब हमने देखा कि पशुपालक कैसे बने हैं। ठीक है, अब देखिए बसने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, कि बसने की प्रक्रिया क्या थी। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना शुरू किया गया और इसी को बसने की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, यानी कि जब वह पौधे उगाने शुरू करेंगे तो उसका मतलब क्या है, पौधे उगाने का मतलब ये नहीं कि पौधा उगाया और वो कहीं और चले गए। उन्होंने पौधा किसी और के लिए नहीं उगाया, अपने खाने के लिए उगाया, अपने लिए उगाया है, तो उसकी केयर करेंगे वो। ठीक है, पूरा समय देंगे उसे, और समय देंगे तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्हें रहना पड़ेगा, जैसे 5-6 महीने में हमारी जो फसल है वो उगकर तैयार होती है तो उसके लिए रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने पौधों को उगाना शुरू किया वैसे उन्होंने बसने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी स्थान पर लंबे समय तक। और उसके बाद जो जानवर है, जब जानवरों को पालतू बनाया गया तो पालतू बनाने का मतलब क्या है, अब वो उन जानवरों को लेकर हर स्थान पर नहीं घूमेंगे, उन्होंने बसने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, इसी चीज को बसने की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से अलग होते थे, क्योंकि इनका जो चुनाव है वो कौन करते थे, इनका चुनाव लोग स्वयं करते थे, यानी कि किन जानवरों को अपनाया जाएगा जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे उनको पालतू जानवर बनाया जाएगा, और कौन से पौधों को अपनाया जाएगा जिनसे उन्हें प्रॉफिट होगा, यानी कि
जिनसे उन्हें क्या है बड़े बड़े जो अनाज है पैदा होने के लिए जो बड़े बड़े दाने हैं वो मिल सकते हैं, उन जो पौधे हैं उनको क्या किया जाएगा, उगाया जाएगा और उन जानवरों को पाला जाएगा जो बीमार कम होते हैं और उसके साथ साथ जो क्या है ख़तरनाक नहीं होते हैं उनको जो है पालतू जानवर बनाया जाएगा। अब जो पालतू जानवर है उसको लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताई गई है कि जो पालतू जानवर होता है उसके जो दांत और जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। वो पालतू जानवरों की जो दांत और हड्डियाँ हैं देखिए वो हमारे पालतू जानवरों के छोटे होते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं उनके बड़े होते हैं। अब ये जो पिक्चर दी गई है क्या इसमें आप पहचान सकते हैं पालतू जानवर का जो दांत है वो कौन सा है, पालतू सूअर का दांत और एक जंगली सूअर का दांत कौन सा है। तो जैसे हमने कहा जो पालतू जो जानवर होते हैं उसके जो दांत और हड्डियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, तो इसका मतलब पालतू जो सूअर है उसका ये दांत है और जो हमारा जो जंगली सूअर है उसका जो ये दांत ये वाला है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हमें यहाँ पर पता चला है। अब देखिए बसने की प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं और ये जो भोजन हमें प्राप्त होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो जो खाना हमें प्राप्त होता है वो जो चीज़ जो कृषक जो है जो भी कृषि करते हैं जो फसल वगैरह उगाते हैं वो जो चीज़ें हैं वो हमें जो प्राप्त हुई हैं वो बसने की प्रक्रिया के थ्रू ही हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि बसने की प्रक्रिया के दौरान ही आरंभिक मानव ने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि कौन सा जो पौधा है उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया कि पहला पालतू जो जानवर रहा है वो कौन रहा है, कुत्ता रहा है। ठीक है, कुत्ते का जो पूर्वज जंगली जो पूर्वज है वो रहा है। उसके बाद भेड़ बकरी जो है पालतू जानवर के तौर पर बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि रखना शुरू कर दिया था। अब देखिए एक नवीन जीवन शैली, एक जो नई जीवन शैली है उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इससे पहले यहाँ पर अनाज के जो उपयोग है बताए गए कि एक अनाज का प्रयोग क्यों किया जाता था, बीज के रूप में उसका प्रयोग होता था, खाद्य के रूप में यानी कि भोजन के रूप में उसका प्रयोग होता था, उपहार के रूप में किसी को गिफ्ट देने के तौर पर उसका प्रयोग होता था और साथ ही साथ भंडारण के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए एक जो नवीन जीवन शैली है उसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में वक्त लगता है, कुछ इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाना उन्होंने शुरू किया उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि बसने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई, क्योंकि जब पौधा उगाया गया था तो उसकी देखभाल करने के लिए एक समय पर यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें क्या लंबे समय तक क्या है आरंभिक मानव को एक स्थान पर रहना पड़ा। ठीक, तो बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक, पौधे की सिंचाई करने के लिए, जो खरपतवार है उसे हटाने के लिए, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए और भी बहुत सारे जो काम हैं जो एक फसल के दौरान फसल उगने के दौरान करने पड़ते हैं उन कामों को पूरा करने के लिए उन्हें एक लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ा। कटाई के बाद अनाज का जो उपयोग है बहुत संभाल कर करना पड़ता था, अनाज को भोजन बीज जो है दोनों ही रूपों में बचा कर रखना पड़ता था, यानी कि जो अनाज है उसे भोजन के तौर पर यानी कि वो खा सकें उसके लिए और साथ ही साथ आगे दोबारा से वो उसी अनाज को उगा सके उसके लिए बीज के तौर पर उन्हें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण के लिए सोचना पड़ा। अब वो भंडारण के लिए जब सोचेंगे तो कहाँ पर भंडारण किया जाए, इसका कहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाए, तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, अब कुछ इलाकों में जो मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो बनाए गए, जो टोकरियाँ हैं वो बनाई गई। ये अपनी तरफ से बातें नहीं लिखी गई एनसीईआरटी बुक में, ये जो चीज़ें इतिहासकारों ने खोजी हैं। ठीक है, जो ज़मीन है उसमें जो गड्ढे हैं वो खोदे गए जहाँ पर वो क्या कर सकते थे, चीज़ों को रख सकते थे, जो फसल है उसे रख सकते थे स्टोर करके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जो है हम देखेंगे जानवर चलते फिरते किस प्रकार से खाद्य भंडारण के रूप में यूज़ होने शुरू हो गए थे। जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर जानवरों को क्या किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, उन्हें पालतू जानवर के तौर पर जो रखा जाएगा तो इससे क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। अब संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, अब जो चीज़ उनसे पालतू जानवर, हर किसी को नहीं बनाया जाता, जब वो हमें कुछ देता है तभी हम उसे पालतू जानवर बनाते हैं। यानी कि अगर गाय बकरी वगैरह को रखा जाता था तो इसका मतलब वहाँ उनसे हमें दूध मिलता था, अब उन्हें की ज़्यादा केयर हो रही है तो यानी कि बीमार कम पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, अब उनके जो है उनकी संख्या में वृद्धि होगी। अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, दूध हमें और भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ उस टाइम पर भी हुई थी। ठीक,
और इसके साथ साथ जानवर हैं उनका जो मांस है वो भी तो बढ़ेगा। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बनता चला गया। तो अभी हमने देखा कि जो पौधे उगाना है वो किस तरीके से उनका भंडारण किया जा रहा था, अब हमने देखा कि जो पशुपालन है वो किस तरीके से भंडारण के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, इनके बारे में अब हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। अब इस वाले पैराग्राफ में हमसे बताया गया है कि जो पुरातत्वविद हैं उन्हें क्या मिले थे, कृषकों और पशुपालकों के होने का जो साक्ष्य है वो उन्हें मिला था, और वो कहाँ कहाँ पर स्थानों पर मिला है, जो उपमहाद्वीप है उसमें पाया गया है, जो हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर यहाँ पर होता है और पश्चिम यहाँ पर होता है, तो इस क्षेत्र में क्या है उन्हें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो कश्मीर है हमारा, आधुनिक कश्मीर है, उसमें पूर्वी और दक्षिण भारत है उसमें भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों को। अगर वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की जो बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारे जो ये पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो कृषक और पशुपालक वाले जो स्थान हैं वो रहे हैं या नहीं रहे हैं, यानी कि बस्तियाँ रही हैं या नहीं रही हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें हड्डियाँ वगैरह, उनके बारे में वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे रोचक जो जले हुए जो अनाज के दाने हैं उससे क्या होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो गेहूं है वो हमें एज इट इज़ नहीं मिल सकता है, उसका जो है गेहूं अगर जल जाता था तो उसके जो जले हुए जो दाने हैं गेहूं के वो मिले हैं, और उससे उन्होंने क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बताया गया जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है इस चीज़ की। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों के बारे में पहचान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्थानीय जीवन शैली की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुजहोम, जो वर्तमान में अभी कहाँ पर है हमारा ब्रुजहोम कश्मीर में है, तो वहाँ पर क्या मिला है पुरातत्वविदों को, लोग जो क्या करते थे गड्ढे के नीचे क्या करते थे अपना घर बनाते थे, यानी गड्ढों के नीचे रहा करते थे, उसको गृतवास कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, गृतवास किसे कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए यानी कि नीचे बनाया गया गड्ढों के नीचे, तो इसका मतलब क्या है उसमें नीचे जाने के लिए उन्होंने क्या किया होता, सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। ठीक है, और इन्होंने ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि ठंडे मौसम में उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके, गर्मी में गर्मी ना लग सके, नीचे तो ठंडा रहेगा ना। और पुरातत्वविदों को एक और चीज़ नोटिस की उन्होंने कि जो झोपड़ियाँ हैं उनके अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है आग जलने के साक्ष्य उन्हें मिले हैं। इसका मतलब क्या है, लोग मौसम के आधार पर जो आग है घरों में भोजन पकाने के लिए जलाते थे, अब ज़्यादा गर्मी होगी तो वो क्या करते थे घरों के बाहर आग जलाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही थी यहाँ पर हमें पता चला। अब देखिए, बहुत सारे जंगहों से पत्थर के जो औजार हैं वो भी प्राप्त हुए हैं, इनमें से ऐसे जो पुरापाषाण युगीन जो उपकरण है ये बिल्कुल उनसे भिन्न है, यानी कि जो पुरापाषाण युग था हमारा उसमें जो उपकरण प्राप्त होते हैं उन उपकरणों से बिल्कुल अलग जो औजार हैं इन्हें पत्थर के औजार मिले हैं, तो इसलिए इन्हें नवपाषाण युग के अंतर्गत रखा गया है। इनमें से वे औजार हैं जिनकी धार क्या होती थी अधिक पैनी होती थी और उसके ऊपर पॉलिश की गई थी। ठीक है, पॉलिश क्यों की गई थी, उन्हें दोबारा से पैनी करने के लिए पॉलिश की गई थी। अब देखिए, ओखली और मूसल जो है उसका भी प्रयोग किया जाता था अनाज और वनस्पति को क्या करने के लिए, उनके अनाज और वनस्पति से प्राप्त जो अन्य चीज़ें उन्हें पीसने के लिए किया जाता था ओखली और मूसल, और आजकल बहुत सारे गांव में भी अभी भी यूज़ किया जाता है ओखली और मूसल अनाजों के अंदर से जो चीज़ें हैं उन्हें निकालने के लिए, उन्हें पीसने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई। अब देखिए, ये जो है नवपाषाण युग के औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम देखेंगे नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि इनको सजाया जाता था। ठीक है, कभी कभार इनके ऊपर चित्र बना दिए जाते थे। ठीक, तो इस तरीके से बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, और इसके साथ साथ धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लग गए। चावल गेहूँ दलहन जैसे जो अनाज हैं अब वह आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे इस टाइम पर आकर, कब, नवपाषाण युग के बारे में बताया गया। ठीक है,
इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। इसके लिए कपास जैसे जो आवश्यक पौधे हैं वो भी उगाए जाने लग गए थे। और कपास का जो पौधा है सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था, वो उगाया गया था मेहरगढ़ में। और अब मेहरगढ़ हमारे यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए आगे बताया गया है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही समान रहे होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जंगों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य जंगों पर हजारों सालों तक धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया गया, ठीक है। कुछ जंग जो थी वहाँ पर मौसम के मुताबिक ही जो जीविका है उसके आधार पर अपने काम को बदला जाता था। अब हम यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे मेहरगढ़। जैसे मैंने कहा था ना, मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या मिला था, कपास के उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें। तो मेहरगढ़ के बारे में बताया गया, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी जो है पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों, हड्डियाँ मिली है जानवरों की, अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है, ठीक है। हिरन और सूअर जैसे जंगली जो जानवर है और भेड़ और बकरी जैसी जो जानवर है उनकी हड्डियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ मेहरगढ़ में जो घर प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के होते थे, चौकोर होते थे, साथ साथ आयताकार भी होते थे, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के जो घर हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में चार कमरे तो होते ही थे या फिर चार से ज़्यादा कमरे होते थे, ठीक है, एटलीस्ट चार कमरे होते थे मेहरगढ़ के घरों में, और जिनमें क्या है, जिनको यूज़ किया जाता होगा भंडारण के लिए, यानी किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः जो मृतक होते हैं उनका सम्मान किया जाता है उनके सहज संबंधियों के द्वारा, तो ये सम्मान किया जाता है। और इसको सम्मान को देखते हुए लोगों की यह आस्था रही है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद जीवन होता है, यानी कि जो चीज़ें वो जीवित रहते हुए प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार वगैरह करती है, जिसमें हार वगैरह पहनती हैं वो, ठीक है, ज्वेलरीज पहनती है, तो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। जब उनकी कब्रें जो होती थी, जिन कब्रों में उन्हें दफनाया जाता था, उनमें क्या है, ज्वेलरी रखी जाती थी उनके लिए, खाने पीने का सामान भी रखा जाता था उनके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर मिली है, और इसी चीज़ से जो है इतिहासकारों को ये पता चलता है, जब कब्रें वगैरह देखी जाती है तो उनमें ये चीज़ पता चलती है कि उस टाइम पर अगर किसी की कब्र में बहुत अधिक जो चीज़ें हैं, जैसे सोना चांदी बहुत सारा रखा गया है, खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं, तो इससे पता चलता था इतिहासकारों को कि ये जो है, ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा और धनी रहा होगा, ठीक है, अमीर रहा होगा। और जिनके में इतनी चीज़ें नहीं प्राप्त होती थी वो एक आम आदमी होगा, इस तरीके से पता करते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए कब्रों में जो मृतकों के साथ क्या सामान भी दफनाया जाता था, मेहरगढ़ में ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिले हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि एक मृतक के साथ क्या बकरी को दफनाया गया था। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एक ही इंसान की हड्डी है जो मर गया था, उसे दफनाया गया था, इसके साथ साथ उसके लिए दो बकरियाँ यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। तो बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पर हमें। तो अब ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और है, फ्रांस में जो गुफा थी, कौन सी गुफा थी फ्रांस में, ये जो गुफा थी, इस गुफा में, फ्रांस की जो ये गुफा है इसके अंदर क्या हुआ था, चार जो स्कूली छात्र हैं उन्होंने एक जो चित्र है वो खोज निकाला था। ये जो चित्र आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो चित्र है वो खोज निकाला था फ्रांस की गुफा में, ठीक। इसी के बारे यहाँ पर बताया गया, जो चारकोल वगैरह से बनाया जाता था, लोहे अशक वगैरह के मदद से जो रंग है इनमें किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि आपकी जो कंप्लीट जो एनसीईआरटी वो करवाई जाएगी यहाँ पर सोशल साइंस की, तो इसके लिए आप चैप्टर को, मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।